आज से वाराणसी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हो गई है। बता दें कि ड्राई रन में कोरोना वैक्सीन को लगाने का ट्रायल किया जा रहा है। इसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। हम लोग को ये बताया गया कि दो वैक्सीनेशन रूम बनाइए, दो ऑब्जर्वेशन रूम बनाइए, एक डॉक्टर का रूम बनाइए, दो स्टाफ रेडी रखिए और चेयर्स रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और पेशेंट जैसे जिसको भी लगना है वो दो एट ए टाइम आएंगे, उनको सुई लगेगी, फिर वो आधे घंटे रेस्ट रूम में रहेंगे, डॉक्टर पूरा टाइम विजिल में रहेगा कि कोई भी रिएक्शन ना हो और स्टाफ पूरा रहे। 10 बजे से कहा था कि आप लोग सब मैडम सब रेडी, हमको तो कहा गया सब रेडी कर दीजिए, कल ही हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि उसको सब इस तरह से हमें रेडी कर दीजिए, हमें 4 कमरे चाहिए, इस तरह से चाहिए, हमको इससे अच्छी जगह कोई और नहीं लगी, हमने कहा इसी में करते हैं, बस हमने सब तैयारी करा दी। अब 10 बजे हमें समय दिया गया। कितने स्टाफ आप लोग के? स्टाफ हमारी स्टाफ तो जैसे दो तो सिस्टर ही लगी, एक डॉक्टर सुभाष लगे, हम तो ओवरऑल है ही हैं और प्लस जो सफाई कर्मी है सब हैं, सबके कोऑपरेशन से ही ना होगा। सुबह 10 बजे से ही वाराणसी में 5 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इसकी शुरुआत मंडली अस्पताल में स्थित महिला अस्पताल से की गई। ड्राई रन के दौरान सभी अधिकारी और पैरामेडिकल टीम मौके पर मौजूद रहे। कोविड वैक्सीनेशन को लेके ये पूरी तैयारी है ड्राई रन की और आज शहर के 6 जगह हैं जो चिन्हित हैं, वहाँ पर ये ड्राई रन चल रहा है और ये महिला अस्पताल शहरी क्षेत्र में चिन्हित है तो यहाँ पर भी उसी की तैयारी है। जो पहले से चिन्हित 25 लाभार्थी हैं वो आज 10 बजे से 5 बजे के बीच में आएंगे और उनका ये वैक्सीनेशन वाला कार्यक्रम पूरा होगा और उसी की यहाँ पूरी तैयारी है। अलग वेटिंग रूम बना है, ये वैक्सीनेशन रूम है, इसके बगल में ऑब्जर्वेशन रूम है, सभी लोग जिनकी ड्यूटी लगी है वो अपने जगह पर हैं और फिर जब लाभार्थी आएगा तो ये ड्राई रन शुरू हो जाएगा। क्या इसमें वैक्सीनेशन लगेगा कि सिर्फ डमी के रूप में यहाँ पे? ड्राई रन है, ड्राई रन मतलब रिहर्सल ही है, है? तो वैक्सीनेशन तो अभी जब आएगा तब लगेगा, आज उसका पूरा रिहर्सल है। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी कि ड्राई रन मुख्य रूप से 5 चरणों में है। इसके पहले चरण में वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति की जानकारी, उसके बाद वैक्सीन को स्वास्थ्य कर्मी को देना, फिर वैक्सीन लगवाने वाले की आईडी लॉगिन करना और अंतिम चरण में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को वैक्सीनेशन कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें वैक्सीन लगवाने की अगली तारीख अंकित होगी। अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है जो शहर क्षेत्र में 3 जगहों पे है और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 जगह पे है। इस तरह से निर्देश मिले हैं ऊपर से और इन सभी जगहों पे हमारे वैक्सीनेटर्स पहुंच चुके हैं, सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं, सत्र जो है सब तैयार हो चुका है, सब जगह चल रहा है। मैं हर जगह की जो है फीडबैक ले लिया है और सब जगह सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। पहले तो इनका जाएंगे वेटिंग रूम रहेगा, उसके बाद देन वैक्सीनेशन रूम रहेगा, उसके बाद तीसरा जो स्टेप है उनको वहाँ पर जा करके थोड़ी देर स्टे करेंगे जिससे कि कहीं कोई उसमें अगर इसे तो ड्राई रन है बट अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसके लिए AFI किट भी वहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह की व्यवस्था हर जगह पे हमारे 6 सेंटर पे की जा रही है। ये सत्र 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा। इसमें ऑलरेडी जो है लाभार्थी जो हेल्थ केयर वर्कर्स को चयनित करके उनको कोविन पोर्टल पर उनके अपलोड किया जा चुका, वही लाभार्थी है। तो रियल वैक्सीनेशन शुरू होना तो उसके लिए प्री हम लोगों ने एक तैयारी कर ली है, उसी तरह से सब रियल वैक्सीनेशन का भी कार्य होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।